चलिए दोस्तों, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसका आपको स्थानीय मान लगाना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब इसके अपन प्लेस वैल्यू का अपन निकालते हैं। तो दोस्तों, इसमें अपन को सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों, इन सभी की प्लेस वैल्यू किस तरह निकालते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 2 × 1 होगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 5 × 10, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 50। ओके, अब 9 का, तो 9 × 100, 900 का, तो 6 × 1000, तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 6000। अब 4 का, 4 × 10000, कितना हो जाएगा, 40000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर से 4 का, तो 4 × 1 लाख, 4 लाख। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह अपन निकालते हैं इन सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसे कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख। इंग्लिश में बोले तो 1, 10, 100, 1000, 10000, लाख। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 है तो दोस्तों ये किस में है, इकाई में, मतलब वंस में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका है दहाई में, तो यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं टेंस में, कि स्टेप कितनी संख्या है, 1 डिजिट है, तो कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह 100, 100 में कितने होते हैं, 2 0, तो ये 2 0 लग के मल्टीप्लाई होगा इसमें कितना। इसी तरह 6 × 1000, तो आपके यहाँ पर 6000 आ गया। इसी तरह 4, 4 का होगा आपका 10000, इसलिए 40000, और इसलिए हुआ 4, 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 लाख में, तो यहाँ पर आपका जाएगा 4 लाख। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ना, इसको अपन पढ़ेंगे जैसे 1, 10, 100, 1000, 10000, तो दोस्तों देखिए 4,46,952। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा कि दशमलव की स्थिति में स्थानीय मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपन प्लेस वैल्यू निकालते हैं डेसिमल की। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है 0.9461। ठीक है दोस्तों, तो इसका लिखने का तरीका यह है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से लिखा है 0. तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, 9 × 0.1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.9। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखिए 4 का, तो यहाँ पर होगा 4 × 0.01। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.04। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 6 का, तो 6 का कितना होगा, 6 × 0.01, लगा है संख्या कितनी है, 1 2, तो 201। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई तो 0.006। ओके दोस्तों, और इस तरह 1 का, तो 1 × 0.123, तो 301 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0.0001। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपन सॉल्व करते हैं दशमलव की स्थिति में स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि अब दशमलव की स्थिति में स्थानीय मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस बार देखिए कि, तो दोस्तों देखिए पॉइंट इस बार आपका इधर लगा है, और इधर भी संख्या दी है और इधर भी संख्या दी है। अब इन सभी का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए दोस्तों किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया आपका 2, तो 2 का देखिए दोस्तों, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 0.1, कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है दोस्तों, अब 3 का, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0.01, तो यहाँ पर 0.03। अब 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 0.001।
तो कितना हो जाएगा 0.004। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस थ्री डिजिट का तो अपने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब टू डिजिट का अपन निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन निकालेंगे 6 का, तो 6 का कितना आएगा दोस्तों, अगर 6 और 4 का, तो 4 का कितना आएगा, 4 क्या कितनी संख्या इस साइड 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो अपन इस तरह निकालते हैं दशमलव की स्थिति में स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि प्लेस वैल्यू अगर डेसिमल में इस तरह टाइप से दी हो तो अपन इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि 27,307 डिजिट दिया है, इसने पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर आपको 27 दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7 का निकालेंगे तो क्या होगा 7। ठीक है, और डिजिट कितनी है 1, 2, 3, तो उससे कितना हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो एक अपन ने मान निकाले, अब एक और 7 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अपन ने निकाल लिए हैं 7 की प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपसे पूछा जाए कि अंकितीय मान निकालिए, ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे कि अपन 7,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, इससे इसको करी, इसने इसको करी, यहाँ से इसने इसको करी दी, तो 10 में से 7 हो गया, से उससे कितना बचा 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं, प्लेस वैल्यू, और इस तरह अपन अंकितीय मान मतलब अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि अब आपके स्थानीय मान डेसिमल में है। ठीक है दोस्तों, अब आपका यह क्वेश्चन दशमलव में है, अब आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 8 यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इस साइड वाली संख्या इस साइड से 0 काउंट किए जाते हैं, अगर इस साइड से पूछा जाएगा तो इस तरफ से 0 काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर दिया, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है इस संख्या के इस साइड, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि 1 का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 1 कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 1 से पहले कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0.1230 और 1। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखिए, यही भी आपका क्वेश्चन दिया है डेसिमल में। ठीक है दोस्तों, तो डेसिमल का अपन को प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 की आपको 2 बार प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 दिया है और यहाँ पर भी 5 दिया है, और अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका अंकितीय मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, अंतर निकालना है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 5, तो पहले अपन इस 5 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 10 और 5। ठीक है दोस्तों, एक अपन ने निकाल लिया, चलिए अब सेकेंड का स्थानीय मान इसका भी निकाल लेते हैं अपन। तो दोस्तों इसका कितना आ जाएगा 5, और इस साइड कितनी संख्या है 1, तो 1। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आया 0.05, और इसका आंसर आया 50। चलिए अब इसका अपन अंतर निकालते हैं। तो अपन किस तरह लिखेंगे, तो 50 आपका बड़ा है, तो 50 को अपन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यह आपका संख्या छोटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.05। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इनको इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0.00 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 0, तो आप इसको कैरी देंगे, इसको ये, इसको कैरी देगा ये इसको, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 में से गई 5, यहाँ पर बची आपकी 9, यहाँ पर ये आपकी 9, और यहाँ पर आपके 4। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन कितना ही आसान था। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इस तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो ले आऊँ, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।